इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है न्यू टाउन हॉल में, जहां JBKSS का केंद्रीय महासम्मेलन हो रहा है। कुछ चेहरे जो हैं आपको लग रहा होगा कि कोयलांचल के तो नहीं है, तो हाँ, हमारे विदेश के भी नहीं कह सकते, लेकिन माया नगरी मुंबई के हैं। और किस किस जगह से आए हैं ये उनसे बात करके ही खबर मिलेगी। ज़रूर बताइएगा इन सारे जो जो गेस्ट हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आज के हमारे मीडिया वाइट के बाद इन्हें फेमस करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये कैसे कैसी बातें कर रहे हैं सब चीज़ पर आपको नज़र रखनी होगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? सिराज भगत। कहाँ से आए हैं सर? मुंबई से हम लोग आए हैं, पहली बार झारखंड की धरती पे हम लोग आए। पहली बार आए हैं? पहली बार। तो यहाँ कोई रिलेटिव रहते हैं या किसी अपने पर्सनल काम से? नहीं, कुछ नहीं, बस हम लोग गाड़ी उठाते हैं जी, और भारत के हर स्टेट में बस चल जाते हैं। तो यहाँ फिरने के शौकीन हैं जी, घूमने फिरने के शौकीन हैं जी। तो यहाँ खाने पीने को एक्सप्लोर करे थे, धनबाद को एक्सप्लोर करे थे, तो यहाँ पे हम लोग को पॉलिटिकल सरगर्मी कुछ ज़्यादा दिखी जी। तो नाम तो वैसे सुना था, क्रांतिकारी कोई एक रिजवान जी हैं और एक टाइगर जी हैं, टाइगर जयराम जी। तो देखने आए कि भाई क्या है माहौल यहाँ का पॉलिटिकली, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट तो रहता ही है आदमी भारत का। तो ये देखने एक बार आए थे, लेकिन लोगों का क्रेज़ थोड़ा सा ज़्यादा इनके प्रति, युवाओं का क्रेज़ ज़्यादा है, दिख रहा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, मुंबई का नाम सुनते ही हर एक साधारण इंसान जिसका चेहरा थोड़ा सा सही दिखता है, उसको लगता है उसे मुंबई जाना चाहिए और फिल्मों में या फिर किसी सीरियल सिनेमा में ट्राई करना चाहिए। आपने भी ये कोशिश की थी मुंबई में रहते हुए? मैं खुद एज एन एक्टर, मैंने काफ़ी सीरियल मैंने काम किया है, भोजपुरी फिल्म में विलेन के तौर पे काम किया है जी। जो एक एक्टर को जो भी परफॉर्मेंस, जो भी कैरेक्टर मिल जाए जी। और साहब भी हैं, रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ में भी काम किया है इन्होंने, तो हम लोग थिएटर से ही हैं। अभिषेक गिरी हैं साथ में हमारे, कैमरा के पीछे हैं शान, वो कैमरामैन हैं। तो मुंबई मतलब जो भी गया उसको हर काम छोड़ करके हीरो एक बार बनना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको आजमाना चाहिए मेरे हिसाब से जी। तो यहाँ जो JBKSS टाइगर जयराम में तो है, क्योंकि आप लोग जब नेशनल पॉलिटिक्स को देखते होंगे, BJP कांग्रेस ये सब सुनते होंगे, यहाँ टाइगर जयराम में तो और खास करके लोकल पीपल्स में जो क्रेज़ है, क्या मुंबई में भी उनकी बात होती है? मुंबई में तो बेशक अभी गए भी थे ये जी। तो इतना तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये है गए थे, इनका बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ है वहाँ पर, बहुत अच्छा इनका क्रेज़ भी है जी। और दूसरी एक सबसे मेन चीज़, झारखंड के पब्लिक को नॉट पॉलिटिकल एक मैसेज देना चाहूँगा, या किसी की भी, आप किसी भी राज्य को ले लीजिए, युवाओं को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना वो 50 साल 60 साल या किसी एक बपौती जो मान लिया गया है, वो धरोहर जो है ख़त्म होना चाहिए जी। विरासत जो है वो ख़त्म होना चाहिए, युवाओं के हाथ में जब सत्ता जब आएगा ना तो बदलाव आएगा जी। तो ये देख करके हम लोगों को अच्छा लगा कि एक युवा नया शुरुआत किया है, एक नया दौर का आगाज़ किया है, वो सबसे बेहतरीन लगा मुझे। तो मतलब बचपन से ही मुंबई में ही रहना हुआ या फिर बिहार या कहीं और? नहीं, मेरा लाइक मतलब कि पूर्वज जो अपन जी, जी, जो जी। वो बिहार से ही रहे हैं, बिहार से ही रहे हैं। तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई। जैसे यहाँ पर आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं, क्या एक 30 साल के इंसान के लिए इस तरीके की जो भीड़ है ये आम बात लग रही है? ये बिल्कुल आम बात नहीं है और बहुत करेज की बात है जी। एक हिम्मत एकदम होना चाहिए जी। हर युवा को लगता है कि कुछ करूँ कुछ करूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ करके मतलब कि एक कदम उठाते हैं और एक जिम्मा लेते हैं कि नहीं मुझे बदलना है। तो मेरे लिए पर्सनली मैं जयराम जी को सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस तरीके का कदम उन्होंने उठाया और भार उठाया कि नहीं मैं सिस्टम को बदलूंगा जी। तो इसके लिए हमारा सैल्यूट है। तो अभी फिलहाल कौन से ऐसे लीडर हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर JBKSS से जुड़ चुके हैं? नहीं, हम लोग जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं, तो जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि युवाओं को सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। हाँ, युवाओं को तो सपोर्ट हमेशा रहेगा, जिनकी विरासत राजनीतिक रही है जी। उनको बदलना चाहिए, उनको सत्ता छोड़ना चाहिए जी। अब युवाओं को का मौको मतलब युवाओं को जो मौका है वो मिलना चाहिए। धनबाद के बारे में क्या क्या सुन के रखे हुए हैं? देखिए, धनबाद के बारे में सबसे पहले जब हम लोग आए यहाँ पे तो सबसे पहले खाने को लेकर, क्योंकि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे पहले फूड तसल्ली। तो यहाँ पे क्या नाम था, एक विका हीरापुर में, हीरापुर में साहू जी का मटन वो हम लोग सबसे पहले खाए, सावन था, लेकिन सावन के व्रत को हमने तोड़ा
इस तरीके से सावन को तोड़ दिया, आप बताइए ऑडियंस गुस्सा हो जाएंगे कि सावन का ऐसा अपमान। माफी चाहता हूँ, गुस्सा नहीं होना है क्योंकि हम लोग घूमते हैं और मेन चीज है कि अगर मन बोलते हैं ना कि स्वच्छ हो तो फिर तन भी स्वस्थ होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने मन को स्वस्थ किया। जी अखलाक अंसारी जी यहाँ लोकसभा इलेक्शन में उन्हें धनबाद से टिकट मिली थी, उनका नाम सुने हैं क्या? अखलाक अंसारी जी का नाम सुना था क्योंकि आए हम लोग तो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट हम लोग रखते हैं हमेशा, तो अभी उनका देखा भी तो अच्छा था। युवा है, मैं बोला ना कि युवा को सपोर्ट 200% है, युवा आगे आएगा तभी देश या राज्य या समाज या किसी भी चीज़ का बदलाव होगा। मुंबई और धनबाद में जमीन आसमान का अंतर है, धनबाद डाइजेस्ट हो गया? देखिए जमीन और आसमान, तो कभी भी जमीन पे रहना अच्छा लगता है और धनबाद जमीन है और मुंबई आसमान है, मुंबई आसमान है, डर नहीं लगता है। कुछ भी तुरंत बनेगा और तुरंत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वो सपनों की नगरी है तो सपने से डर नहीं लगता, सपने को हकीकत में बदलने के लिए वहाँ पे जाना होता है, लेकिन आदमी रहता जमीन पे है तो ये जमीन है धनबाद। चलिए सर आपसे बात करके अच्छा लगा, ऐसे बताइएगा जैसे यहाँ के लोकल्स को आप देख रहे हैं, ऐसे कोयलांचल में लोग कहते हैं, लोगों के बीच में कहावत टाइप का पॉपुलर है कि कोयले के प्रदेश से हैं तो उनका रंग भी काला होता है, तो क्या जिनका रंग फेयर नहीं है वो हीरो या हीरोइन बन सकते हैं? देखिए अभी वो दौर जा चुका है जो गोरे, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, मनोज वाजपेयी कोई गोरे नहीं थे, आप उठा के देख लीजिए जो भी थिएटर से आए हैं, जो मेहनत करके आए हैं उनका राज्य चल रहा है, उनका सिक्का चल रहा है, जिनके अंदर दम होगा, जिनके अंदर टैलेंट होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। थैंक यू सर। चलिए मेरे साथ एक और शख्स है बिल्कुल हीरो जैसे दिख रहे हैं, मतलब हीरो ही है, उनसे जानना चाहूंगी, सर क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष राजपूत। वैसे आप तो हाइट में मुझसे काफी बड़े हैं। जी हाँ, मुंबई में छोटा कर दिया। चलिए ऐसा होता है शूटिंग पे तो जी हाँ, थोड़ा सा अपने आप को, मुंबई का पूरा प्रैक्टिस है इसी तरीके से होता है एक्टर। जी हाँ बिल्कुल ये होता है। सर बताइएगा धनबाद में क्या अच्छा लगा? धनबाद में सबसे पहले जो आपका ये है जी, मैं रियली बताऊं तो ये बहुत कमाल का लगा मुझे। तो ये हीरो लोग ऐसा करते हैं इस तरीके से ऑन कैमरे पे, आप एंकर को ऐसा कमेंट नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सच बात बोलने में क्या मतलब, अच्छा, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना, बिल्कुल करना चाहिए। वैसे पता है कि ये क्या है, ये गमछा जो है जो मैंने सर पे ऐसे पकड़ी, बिल्कुल पता है क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और भविष्य में जो मतलब पास्ट बीत चुका है, जो झारखंड हमारे बिहार में ही था, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो मतलब बिल्कुल मालूम है कि गमछा क्या होता है, अगर आप देंगे तो मैं भी ऐसे बांध दूंगा और वो अच्छा लगता है। सर आप बताइएगा क्योंकि आप मूवी में आ चुके हैं, अपने पुराने कैरियर में जो जो किया है दर्शक उससे भी परिचय हो जाए उनका, और एक चीज़ और बताइएगा टाइगर जयराम महतो जो इनका यहाँ पर क्रेज है क्या मुंबई में भी है? टाइगर जयराम महतो का जितना क्रेज है तो ये देखिए मैं टाइगर शायद होगा यहाँ पे भी, इधर भी टाइगर, इधर भी टाइगर, इधर भी हर जगह टाइगर है ना जी, और मैं भी खुद टाइगर शायद हूँ या नहीं हूँ तो लेकिन इधर है टाइगर, सब जगह टाइगर है जी। बाकी जयराम जी को सैल्यूट है कि जिस तरह से वो मतलब इस तरह से भीड़ और ये देख रहा हूँ तथा मतलब काबिले तारीफ है ये चीज़ जो है। हीरो या हीरोइन बनने के लिए कौन सी क्वालिटी है जो होनी चाहिए इंडिविजुअल में? टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट एंड टैलेंट। लुक वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है? लुक की अच्छा सॉरी लुक की मांग की आंख नहीं बोलूंगा, लुक लगता है थोड़ा सा, नहीं लुक है ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर मिलता है उसमें जाने के लिए आपको लुक का जरूरत है कि इस कैरेक्टर के लिए ये लुक चाहिए, ये लुक है, लेकिन सर्वप्रथम टैलेंट। मुंबई को कहा जाता है कि वहाँ लाइफ जो है बिल्कुल अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, कैरियर जो है वो कभी भी फिसल सकता है हाथों से, कभी महसूस किए? बहुत बार महसूस किया हूँ और सच में माया नगरी है, अनिश्चितता है वहाँ पे, लेकिन आप अगर डटे हुए हैं तो आप फतह करेंगे वहाँ। तो इतनी हिंदी मुंबई में भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली और झारखंडी सब बोलते हैं। हाँ अब आपको इम्प्रेस करने के लिए तो बोलना पड़ेगा। सर एंकर को इम्प्रेस ना ही करिए वही बेहतर होगा, बड़ा सवाल लगातार और भी कठिन कठिन पूछूंगी तो मैं डर गया। ये है हीरो है, एक्टिंग एक्टिंग ही कर रहे हैं कैमरे पर, लेकिन एक दो सवाल मैं इनसे और पूछूंगी। बिहाइंड द कैमरा आप बहुत इश्क मोहब्बत की बात कर रहे थे, झारखंडियों को देखकर लग रहा है कि सबके अंदर शाहरुख खान छिपा हुआ है या बेकार है इस मामले? यहाँ पर जितने भी हैं जो भी हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सबके अंदर शाहरुख खान सलमान खान है, लेकिन सलमान खान मत बनना क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है, तो आप लोग सबके अंदर शाहरुख खान है। जी हाँ जयराम है, सबके अंदर जयराम है, बिकॉज जयराम जी शाहरुख खान और सलमान खान है यहाँ के। जयराम जी तो शादी ही नहीं करना चाहते, कुंवारों की सरकार यही चर्चा में है, तो वो सलमान खान की श्रेणी में है, फिर इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। आप अच्छा आप करना
मैं ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है हमारे चैनल के जरिए कोई ऐसे ऑडियंस में कुछ, बिल्कुल अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे काबिल हैं कोई, मतलब आपके जैसी या किसी और के जैसी भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मेरा नंबर है 9867222, उसके बाद नहीं बताऊंगा। वैसे मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं इनके काबिल नहीं हूँ और ये भी मेरे काबिल नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा और वो भी लाइव इंडियन गार्ड में। खैर, हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो धनबाद के नहीं हैं लेकिन अपने शहर के तौर तरीकों से हमारा परिचय करवा रहे हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। वैसे इन्हें खूब कमेंट में डांट लगाइएगा क्योंकि इन्होंने एंकर को बहुत परेशान किया। आपका डांट मेरे लिए मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।